हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल कैमरा मुझे नहीं पकड़ना आ रहा उस वक्त, और मैं टेढ़ा मेढ़ा घुमा रही हूँ, और क्योंकि ठंड बहुत थी और हम लोग मरी जा रहे थे, तो हमारे जो साथ थे ड्राइवर अंकल, उन्होंने गाड़ी रोक दी क्योंकि व्यू बहुत खूबसूरत आ रहा था। तो उन्होंने कहा चलो यहाँ रुक जाओ, तस्वीरें खींच लो। यहाँ पर एक छोटी सी नहीं काफ़ी बड़ी नहर जा रही थी, हम काफ़ी ऊँचाई पर थे, और साथ में एक फनलैंड बना हुआ था, एक रिजॉर्ट बना हुआ था, और हम इसी जिस रोड पर मैं खड़ी हूँ यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाके एक पार्क भी था। वहाँ की जो पिक्चर्स थी पार्क की और वीडियो थी वो मुझसे मिसप्लेस हो गई, मुझे मिल नहीं रही, तो जो थी वो मैं आपसे कैसे शेयर करूँ। अभी आप देखेगा कि यहाँ पर ये देखें, ये नदी बारिश हुई थी इस वजह से गंदी हो गई, वरना अंकल कहते बहुत साफ पानी होता था यहाँ पर। और इसमें शायद मैंने लिया हो, पिक्चर्स हैं मेरे पास, पिक्चर्स दिखाऊंगी, तो उसमें आपको देखा पीछे फनलैंड भी था, ये रिजॉर्ट है छोटा सा, बड़ा खूबसूरत सा था। तो हम लोगों ने तकरीबन 10-20 मिनट यहाँ पर स्टे किया था, तस्वीर वगैरह क्लिक करके वीडियो बनाकर फिर हम आगे बढ़े थे। तो ये हम मरी पहुंच चुके हैं, क्योंकि जब हमने बर्फ़ देखी हम लोग पागल हो गए, क्योंकि मैं पहले भी जा चुकी हूँ लेकिन हमें बर्फ़ नहीं मिली थी, और बहुत अफसोस था। आपकी बार भी जब हम निकले थे, मैं फैमिली के साथ गई थी, हस्बैंड मेरे नहीं गए थे, तो मेरे हस्बैंड ये कहते बेकार है जाना, अब भी तुम्हें बर्फ़ नहीं मिलेगी और तुम क्या करोगी, जाकर रहने दो। तो मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगी। और इस हम मार्च में गए थे तो बर्फ़ थी वहाँ पर, और हम लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि हमने बीच रास्ते में ही ना, हम लोग स्पॉट तक नहीं पहुँचे थे, हम बीच रास्ते में हमने अंकल से बोला नहीं अंकल बस रोक दे, पता नहीं हम लोग को ये हो रहा था कि पता नहीं आगे जाके ये जो थोड़ी बहुत बर्फ़ है ये मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, और हमें बस अंकल यहीं गाड़ी रोक दे, हमें यहीं थोड़ा सा ना एंजॉय करने दे, पता नहीं आगे बर्फ हो कि नहीं हो। क्योंकि आपने देखा था जो इससे पहले वाली वीडियो भी थी, वहां तो हल्की फुल्की बारिश थी, बर्फ बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जब हमने ऊपर की तरफ आए हैं तो बर्फ हमें दिखना शुरू हुई। तो फिर हम लोग इतना वो हो गए नहीं अंकल पता नहीं आगे मिले कि नहीं मिले, आप हमें यहीं रोक दे, हम यहाँ थोड़ा बहुत बर्फ के साथ खेल लें उसके बाद चलते हैं आगे ना। तो अभी मैं दिखाऊंगी, हम रुके थे वहां पर और बहुत ही खूबसूरत उसका व्यू था, उसका भी मैंने एक छोटी सी क्लिप डाली है, बहुत ही खूबसूरत थी, हमने काफ़ी वहाँ बर्फ़ के साथ खेले भी। और अंकल जो थे हमारे साथ तो वो ये कहते कि ना तुम लोग ना सिर्फ एक दफ़ा बर्फ़ हाथ में लोगे, उसके बाद तुम लोग ले ही नहीं पाओगे क्योंकि हाथ सुन हो जाएंगे। और वो अंकल हमारे साथ हैरान थे कि हम मरी के जिस जिस स्पॉट पर गए हमने खूब बर्फ़ से खेला, और मुझे कहना हम तो हम लोगों को कहते भाई तुम लोग पक्के अहद कर कर आए थे कि तुम लोग बर्फ़ में खेलोगे आकर, वरना अक्सर लोग एक से दो दफ़ा बर्फ़ लेने के बाद हाथ में हाथ भी नहीं लगाते बर्फ़ को, कि बहुत ठंडा है भाई, बहुत हमारे हाथ सुन हो रहे हैं। लेकिन हम लोग का तो प्लान ही ये था कि भाई हम इतनी दुआएं करके गए थे कि हमें बर्फ़ मिल जाए, बर्फ़ मिल जाए। और इस वीडियो में मैं शायद अपने हस्बैंड के लिए वीडियो बना रही, क्योंकि वो मुझे चिढ़ा रहे थे कि तुम्हें बर्फ़ नहीं मिलेगी, बर्फ़ नहीं मिलेगी, ख्वार होकर आओगी। तो मैं उन्हें वीडियो में दिखा रही थी ये देखें बर्फ़ है, और मैंने प्रूफ के तौर पर वीडियोज़ उन्हें वहाँ व्हाट्सएप की कि आप देख लें मेरे पास बर्फ़ है, मैंने बर्फ़ में खेला है वहाँ पर। तो बस आगे मैं छोटी छोटी क्लिप्स और पिक्चर्स करूँगी इसमें ऐड, और इसके आगे जो हम लोग मरी के स्पॉट गए थे, कश्मीर पॉइंट गए थे, माल रोड गए थे, और जहाँ हमने स्टे किया था उसका मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा, वो मैं आगे आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी होने वाली है, तो वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और इस वीडियो में मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही थी कि बर्फ़बारी हो रही है, अपने भाई की शर्ट पे हाथ रख के दिखाऊंगी, क्योंकि डार्क कलर पे वाइट बर्फ़ जो ऊपर से गिर रही थी तो वो ज़्यादा दिख रही थी, और बनिस्बत कलरफुल कपड़ों पे नहीं दिख रही थी, ज़ाहिर वाइट होती है। तो बस बने रहिए आप लोग मेरे साथ, इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में और भी अपना जर्नी शेयर करूँगी। मरी ही गए थे हम, वहाँ से इस्लामाबाद वापस आ गए थे एंड फिर अपने कराची वापस आ गए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दें, कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लग रही है। जब तक अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।